वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फोटो ऑफ थैल्मिया एंड कॉर्नियल वर्टिसेलेटा की। फोटो ऑफ थैल्मिया इज ए टाइप ऑफ किराटो कंजक्टिवाइटिस। इसका मतलब है ये कॉर्निया को इन्वॉल्व करेगा और कंजक्टाइवा को भी इन्वॉल्व करेगा। इसका कॉज क्या है, ये जो किराटो कंजक्टिवाइटिस है इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है ड्यू टू एक्सपोजर है ना टू यूवी रेज। ये जो यूवी रेज है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो हो सकता है कि हम लोगों ने नेकेड आर्क लाइट देख लिया हो, या फिर हमारे आँख पे ब्राइट फ्लैश लाइट है ना किसी तरह से इंड्यूस हुआ हो, आइदर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ड्यू टू सम अदर मीन, या फिर स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सन रेज आता है स्नो में टकराता है और वहाँ से वापस यूवी रेज रिफ्लेक्ट करके हमारे है ना आँख पे पड़ता है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है जहाँ से यूवी रेज हमारे आँख में पड़ रहा है। ठीक है, बात करते हैं सिम्टम्स की, तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत इजी है, अगर कॉर्निया का एब्रेशन है तो हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, या फिर अगर कंजक्टिवा में कोई इन्फ्लामेशन हो गया दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस, मैंने शुरू में बोल रखा है इट इज किराटो कंजक्टिवाइटिस, तो क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है। एक्सट्रीम बर्निंग पेन, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कॉर्नियल एपिथीलियम उसका डिस्मेशन हो चुका है। लैक्रिमेशंस, फोटोफोबिया, ब्लेफेरोस्पास्म एंड देयर इज स्वेलिंग ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा एंड रेट्रो टार्सल फोल्ड्स। ठीक है, साइन अगर आप जो इंडिविजुअल है ना जिसे फोटो ऑफ थैल्मिया हो रखा है, आप अगर उसका आई एग्जामिन करोगे तो देयर विल बी डिस्क्मेशन ऑफ द एपिथीलियम। लेटेंट पीरियड कितना है, 4 से 5 आवर। आप अभी गए है ना आर्क लाइट, नेकेड आर्क लाइट देखा, कहीं वेल्डिंग हो रहा था आपने देख लिया, और 4 से 5 घंटे के बाद अचानक से आपको बर्निंग पेन स्टार्ट हो गया, लैक्रिमेशन स्टार्ट हो गया, फोटोफोबिया स्टार्ट हो गया, ब्लेफेरोस्पाज्म हो गया ना। प्रोफाइलेक्सिस क्या है, प्रोफाइलेक्सिस क्या है, जब आप कभी भी आप नेकेड आर्क लाइट नहीं देखो, कभी आप स्नो में जाओ है ना, या फिर वहाँ पर रहते हो जहाँ पे चारों ओर स्नो है, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि डार्क ग्लासेस बनेगा। ये क्या करेगा है ना, जो यूवी रेज उसको वापस रिफ्रैक्ट कर देगा। ठीक है, या फिर क्रूक्स ग्लास। मैनेजमेंट अगर हो गया तो फिर क्या करना है, कोल्ड कंप्रेस, ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स, बैंडेजिंग बोथ द आई फॉर 24 आवर। ठीक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट है आप पेशेंट को रीअश्योर करो, और अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ओरल एनाल्जेसिक भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आया, क्वेश्चन ये आया था फोटो ऑफ थैल्मिया इज ए टाइप ऑफ, इट इज़ ए टाइप ऑफ किराटो कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ, इट इज़ ड्यू टू एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है, स्नो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड यूवी रेज फ्रॉम द स्नो सर्फेस। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आया, तो ट्रीटमेंट में अपन लोग क्या क्या करते हैं, कोल्ड कंप्रेस, पैड एंड बैंडेज, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ओरल एनाल्जेसिक एंड रीअश्योरेंस टू पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट नहीं लिख रखा है, ओरल एनाल्जेसिक नहीं लिख रखा है। ठीक है, और रीअश्योरेंस टू द पेशेंट नहीं लिख रखा है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। बात करते हैं कॉर्निया वर्टिसेलेटा की, तो कॉर्निया वर्टिसेलेटा में हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्ल लाइक ओपेसिटीज इन कॉर्नियल एपिथेलियम। अभी लेक्चर जब ये ख़त्म होगा ना, इसके बाद मैं एक इमेज आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप इजली अप्रिशिएट कर सकते हैं वर्ल लाइक ओपेसिटीज इन कॉर्निया एपिथेलियम। कॉज क्या है, बहुत लंबे समय तक अगर आप लोग मेडिकेशन यूज़ करेंगे जैसे कि एम्यूड्रॉन, फिनोथाजिन, इंडोमेथासिन और क्लोरोक्विन, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल लाइक ओपेसिटीज इन कॉर्नियल एपिथेलियम। इसका निमोनिक मैंने बना रखा है ए पिक, ए फॉर एम्यूड्रॉन, पी फॉर फिनोथाजिन, आई फॉर इंडोमेथासिन एंड सी फॉर क्लोरोक्विन। इट इज़ ऑल्सो सीन इन फैब्री डिजीज एंड इट्स कैरियर। मजे की बात यह है क्या, ये कॉर्निया वर्टिसेलेटा ए सिम्टोमेटिक होता है, रिवर्सेबल होता है ना, अगर आप ये ड्रग यूज़ करना बंद कर दो तो ये रिवर्सेबल, कभी भी मतलब सिम्टम्स जनरली कभी भी कोई भी सिम्टम्स कॉज नहीं करता है। ओकेजनली कभी कदाल क्या होता है, पेशेंट में ग्लेयर है ना, पेशेंट कंप्लेन करेगा ग्लेयर का और सरफेस डिस्कम्फर्ट, तो आराम से आप उसे नेचुरल है ना कोई टॉपिकल ल्यूब्रिकेंट्स देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर फोटो ऑप्थैल्मिया एंड कॉर्निया वर्टिसेलेटा। कॉर्निया वर्टिसेलेटा से जो क्वेश्चन अभी तक आ चुका है दैट इज़ है ना किससे होता है, तो लॉन्ग टर्म्स यूज ऑफ मेडिकेशन सच एस एम्यूड्रॉन, फिनोथाजिन, इंडोमेथासिन, क्लोरोक्विन, इसमें से एम्यूड्रॉन से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। थैंक यू।